स्वागत आपका पब्लिक टुडे न्यूज में। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को नीचे दिए रेड बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर सबसे पहले मिल पाए। जी हां, आपको बता दें कि आज ट्रंप ने मोदी को जब फादर ऑफ इंडिया कहा, तो पाकिस्तान ने आज मोदी को डिस्ट्रॉय ऑफ इंडिया कहा। जी हां, इसका मैटर हम आपको बताने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें कि ट्रंप ने कुमुला कि मोदी फादर ऑफ इंडिया है और मोदी देश की राजनीति में देश के लिए एक ऐसे नेता है जो आने वाले टाइम के अंदर जिनको हराना नामुमकिन हो जाएगा विपक्षी दलों के लिए। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल भारत के दिल्ली के अंदर भी जो है अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए, वहीं पाकिस्तान में भूकंप के कारण पीओके में 20 की मौत, लगभग 300 लोग घायल भी हो गए। पाकिस्तान में भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा हद तक देखी जा सकती है। भूकंप पर पाकिस्तान बाज नहीं आया अपनी हरकतों से। आपको बता दें कि भूकंप से पाकिस्तान के अंदर सड़कें टूट चुकी है, सड़कों के अंदर दरारें आ चुकी है, काफी गाड़ियां सड़कों के अंदर समा चुकी है और 26 की मौत और 300 ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान में आए भूकंप से पाकिस्तान के मंत्री फवाद ने जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे जो है इल्जाम लगाया है कि इसमें मोदी की कोई चाल है। जी हां, आपको बता दें कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान सीधा उंगली जो है भारत पे उठाता है। तो मोदी की हाउडी इवेंट के बाद जो पाकिस्तान ने कहा कि मोदी ने हाउडी इवेंट अमेरिका के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया है जिससे पाकिस्तान के अंदर भूकंप आ गया है, जिसके कारण पूरे देश के अंदर खलबली मच गई है कि पाकिस्तान आकर कैसे बौखला गया है, पाकिस्तान ऐसे आकर ऐसे कैसे बौखलाने बयान दे रहा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, जरूर दो बार हमारी इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।